प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 के नन हिंदी के चौथा चैप्टर, जो कि है बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यह एक रेखा चित्र है। तो बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी नरोत्तम दास और डी कबीर। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑप्शन ए साधु, बी गृहस्थ, सी कलाकार, डी भगत। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साधु। तो बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे? ऑप्शन ए कबीर अर्थात साहब, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी राम नाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर अर्थात साहब। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितने दूर पैदल जाते थे? ऑप्शन ए 5 कोस, बी 10 कोस, सी 20 कोस और डी 30 कोस। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 कोस। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे, क्या गाते थे? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी प्रभाती, ऑप्शन डी गाना। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभाती। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों, छठा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है। तो बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1। चलिए सातवां क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, सातवां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 50 से ऊपर, बी 60 से ऊपर, सी 70 से ऊपर, डी 80 से ऊपर। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 से ऊपर। आठवां क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी रेखाचित्र, ऑप्शन डी नाटक। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेखा
चित्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी साहब, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी साधु। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहब। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों 10वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑप्शन ए पोता से, ऑप्शन बी पोती से, ऑप्शन सी पतहू से, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोताहू से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर है, बाल गोविंद भगत किसके आदेश पर चलते थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीराबाई। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कबीर। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? ऑप्शन ए छोटे, बी लंबे, सी मझोले और डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मझोले। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, खेत में पैदा हुए सामान को बाल गोविंद भगत घर तक कैसे लाते थे? ऑप्शन ए ट्रैक्टर से, बी साइकिल से, सी रिक्शा से, डी पैदल। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पैदल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गाते समय किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए थाल का, बी बांसुरी का, सी खंजरी का और डी शहनाई का। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खंजरी का। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, निस्बद्धता का तात्पर्य है, तो निस्बद्धता का अर्थ इसमें से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कोलाहल, बी सन्नाटा, सी काल का वक्त, डी कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सन्नाटा। चलिए बच्चों ये 15 तो हो गया आपके पाठ के क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चों। तो आपके लिए क्वेश्चन है, उसे आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा। एक एकड़ में कितना जमीन होता है? ऑप्शन ए 10 कट्ठा, बी 20 बीघा, सी 3 बीघा 10 धूर, डी 5 बीघा 10 कट्ठा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।